बहुत सारे लोगों का कुछ इस प्रकार से मुझे स्क्रीन शॉट आ रहा है कि वो लोग यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं और विड्रॉल करने के बाद उन लोगों का यहाँ पे रिक्वेस्ट राइज विड्रॉल सक्सेसफुल सब कुछ दिखा रहा है, बट उन लोगों का पैसा जो है अकाउंट में नहीं पहुँच रहा है। और बहुत सारे आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट था कि यहाँ पर मैंने पैसा विड्रॉल कर लिया है, सक्सेसफुल भी हो गया है, बट मेरा पैसा अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके क्या मतलब सॉल्यूशन है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग अपने पैसे जो है अकाउंट में मंगा सकते हो और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए जानते हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जिन जिन लोगों को ऐसा दिक्कत आ रहा है उन लोगों को फिर से इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और वो लोग इस चीज़ को समझ पाए। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल में। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 जुलाई 12:03 दोपहर में यहाँ पे विड्रॉल हुआ है। अब एक कल जो विड्रॉल हुआ था, कल का डेट था संडे, और संडे और सैटरडे दो दिन बैंक ऑफ रहता है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे विड्रॉल करते हैं सैटरडे संडे को, उन लोगों का पैसा आ जाता है अकाउंट में। तो आप लोग सोचोगे इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि बहुत टाइम पे ऐसा कुछ एरर होता है जहाँ पे हम लोग पैसा विड्रॉल करते हैं और हम लोगों का पैसा होल्ड पे चला जाता है, ठीक है। मतलब कि ड्रीम इलेवन के तरफ से इसको रिलीज कर दिया जाता है, आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर बैंक होल्ड कर देता है किसी कारणवश, बैंक ऑफ रहता है उसके वजह से, या फिर कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो उसके चलते आपका पैसा होल्ड हो जाता है और यहाँ पे आपके पैसे को आपके अकाउंट में पहुँचने में टाइम लग जाता है। अब अगर आपका ऐसा कुछ हुआ है जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो उसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, चलिए यहाँ पे जानते हैं पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सेम प्रोसेस आपको करना है, आप लोग ईजिली यहाँ पर अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको प्रोफाइल का आइकन शो करेगा और जस्ट यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन शो कर जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको मस्ट आस्क क्वेश्चंस में जहाँ पे ये शो करेगा, बहुत सारे लोगों का यही इशू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा गया है आई हैवंट रिसीव माई विड्रॉल मनी, व्हाट शुड आई डू। तो यहाँ पे बताया गया है रिलैक्स वी आर हेयर, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर Here for you, usually money withdrawals happen immediately but sometimes there may be a delay and can take up to 3 working days for the amount to get credited to your verified bank account. तो यहाँ बताया गया है कि ऐसा कुछ जल्दी होता नहीं है, बट अगर आपका पैसा विड्रॉल हुआ है और कोई दिक्कत हो रहा है और पैसे पहुँचने में डिले हो रहा है, तो यहाँ पर 3 working days, मतलब वर्किंग डे में आपको सैटरडे और संडे छोड़ के जो भी दिन आते हैं वर्किंग डे में आते हैं, तो 3 working days सोमवार मंगलवार बुधवार, अगर आपने संडे को विड्रॉल किया और आपका पैसा यहाँ पर फंसा है, सैटरडे को विड्रॉल किया पैसा फंसा है, तो बुधवार तक आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। पहले भी आ सकता है, बुधवार तक भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। फिर भी अगर आप ज़्यादा यहाँ पर आपको मतलब लग रहा है कि आपका पैसा नहीं आने वाला है, कोई ज़्यादा आपको ये हो रहा है, तो आप यहाँ आके कंटेक्ट अस में जाके राइज या रिक्वेस्ट करके यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करोगे। और फिर यहाँ पे आप जब विड्रॉल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको उसके बाद टाइप ऑफ क्वेरी का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको विड्रॉल रिलेटेड और न्यू TDS कलेक्शन का आ जाता है ऑप्शन, आपको विड्रॉल रिलेटेड डालना है। अब जिस दिन आपने विड्रॉल किया, लाइक आपने 2 जुलाई को किया है या फिर 1 जुलाई को किया है, तो यहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है। अब विड्रॉल अमाउंट कितना था, तो आपने देखा उस स्क्रीनशॉट में 1000 रुपया था, 1000 रुपया मैंने डाल दिया। जिसका जितना हो आप अपना विड्रॉल अमाउंट जितना भी विड्रॉल किया आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, आप लोग लिख दीजिएगा कि आप 2 तारीख को या 1 तारीख को विड्रॉल किए और आपका पैसा जो है अभी तक नहीं आया है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो आपने विड्रॉल किया है जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग मुझे भेज रहे हो, उसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पे ऐड फाइल में लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका जो रिक्वेस्ट है इसको सबमिट कर लिया जाएगा ड्रीम इलेवन की तरफ से, और फिर आपका जो प्रॉब्लम है एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व कर दिया जाएगा और फिर आप लोग ईजिली यहाँ पर अपने पैसे अपने अकाउंट में देख पाओगे और फिर उसका यूज़ कर पाओगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा वेट कर लेना है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। अगर पैसा आपका ड्रीम इलेवन के अकाउंट में नहीं भी पहुंचता है, तो फिर से आपका पैसा आपके ड्रीम इलेवन के
वॉलेट में आ जाएगा और फिर आप लोग वहाँ पे उसका फिर से विड्रॉल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं यहीं पे हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और जो भी आपका दिक्कत होगा मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे लेकर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।